स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने देश के गरीब परिवारों के लिए फ्री शौचालय योजना भी लाई, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार के ऐसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर है, इस असुविधा को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए शौचालय बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन कटिहार जिले में वार्ड नंबर 27 के हरिगंज मोहल्ले में खंडर नुमा सार्वजनिक शौचालय में शौच करने के लिए कुछ लोग आज भी विवश हैं। नगर निगम के क्षेत्र में हरिगंज मोहल्ले में वर्षों पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि के पहल पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन इसकी स्थिति अब बेहद दयनीय है। शौचालय पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है, फिर भी आसपास के कुछ लोग इस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। लैट्रिन का दिक्कत हो गया, लैट्रिन का दिक्कत होता है। मुगनगढ़ ये नाम है तेरा, कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। बाथरूम तो बंद है, खराब है। खराब है तो क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे? दिक्कत है। पैसा भी लेता है कोई? पैसा भी कोई लेता है? खराब हो जाता है तो सब मिला मिला के सब साफ करते हैं। कौन जगह है ये? हरिगंज कोड़िया टोला 27 नंबर वाला। कौन सा शौचालय है? 16 पूजा। अच्छा, यहाँ क्या स्थिति है शौचालय का? शौचालय की स्थिति तो बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्या करेंगे। सबको विधायक जी भी आए थे, सब आए थे एक बार, सब इसका सर्वेक्षण करके गए, लेकिन इसका देखभाल कोई भी नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? दर्शन मंदिर। अच्छा, अब यहाँ आपको मालूम है कि ये शौचालय कब बना था? 1975 में। हमको अच्छा याद नहीं है, लेकिन बोल रहा है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो सर बुरा स्थिति है, पूरा एकदम गंदा है। और अगल बगल पूरा महकता होगा? हाँ, पूरा गंद करता है। जब बारिश का पानी होता है तो यहाँ पूरा घुस जाता है। इसके लिए आप कभी कंप्लेंट किए हैं किसी को? अब बहुत सारा आए थे, हम तो नहीं किए हैं, लेकिन और बड़े सारा आदमी को किया था, गांव का आदमी किया था। अच्छा, कितना रूम है शौचालय? टोटल रूम सर 12। सभी बदहाल है जी, सब टूटा हुआ जी। फिर भी महिला इसमें जाते हैं? हाँ, फिर भी अभी जाते हैं, उसमें ही यूज करते हैं, क्या करें, गरीब आदमी। महिला शौचालय कितना है और पुरुष? महिला है 6, जेंट्स है 7। सब उसी में जा रहे हैं जी। अभी फिलहाल शौचालय बंद हो गया जी? बंद हो गया, लेकिन जिसको कितना साल से बंद है? ये तो लगभग 3-4 साल से अभी ऐसे है। अब इधर कुछ ये साफ करा के अपना कुछ पैसा लगा के सहयोग करके, जिसको दिक्कत होता है तो गांव वाला मिला के करता है। शौचालय अभी खुलना चाहिए कि बंद कर? बहुत दिक्कत, गाँव का आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है, ये लॉकडाउन लेके और सब लेके अभी बहुत दिक्कत चल रहा है। उसके बाद ये जहाँ तहाँ दुर्गा स्थान चल जाते हैं, कभी देहात चल जाते हैं, वहाँ भी बैठने नहीं देते इन लोग को, तभी तो दिक्कत तो हो रहा है। मिला जुला के हुआ कि शौचालय को खोलना चाहिए जी सर। बुल्काल, 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 बुल्काल।